जन विश्वास विधेयक 2023 सर, जिन लोगों ने चेयर के ऊपर पेपर फाड़ के फेंका उनको नेम करना चाहिए सर, दिस इज हाईली इनडिसिप्लिन सर, दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। मंत्री जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके कई सदस्यों ने यहाँ पेपर फाड़ के चेयर पर फेंका है। मैं समझता हूँ कि चेयर का अपमान है और लोकतंत्र के मंदिर में आप जैसे वरिष्ठ लोगों का यह व्यवहार ठीक नहीं है। आपने मैं इसका आपको रूलिंग देता हूं, हमारे अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार मैं सभा का ध्यान प्रक्रिया के नियमों के नियम 198 के उपनियम 2 की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसमें यह उपबंध है कि जब एक बार उक्त नियम के अंतर्गत अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख अध्यक्ष द्वारा नियत की जाएगी, जो ऐसी अनुमति प्रदान किए जाने के दिन से 10 दिन के भीतर होगी। परंपरा के अनुसार सभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति प्रदान किए जाने के पश्चात अध्यक्ष सभा के नेता और राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श करते हैं तथा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख और समय निर्धारित करते हैं। धन्यवाद। राजेंद्र अग्रवाल जी। जी धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने मुझे जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2022 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा आपसे निवेदन है आप अपने स्थान पे बैठिए। अभी काले कपड़ों पर बहुत बात हुई थी, मैं छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। 60 के दशक में एक प्रसिद्ध अभिनेता पर काले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था, कोलकाता में स्टैम्पीड हो गया था। मेरा निवेदन है कि कुछ माननीय सदस्यों पर जेंडर न्यूट्रल होकर के प्रतिबंध लगाया जाए ताकि देश में और प्रदेशों में शांति रह सके। मैं आपके नेता अधीर रंजन चौधरी, आप रखिए नीचे, नीचे रखिए। मैं अधीर रंजन चौधरी से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चर्चा चाहते हो तो हम आपको बोलने की अनुमति दीजिए, पहले आपके सदस्यों को अपने स्थान पर बैठने को कह दीजिए, अगर हाउस ऑर्डर में होगा तो अनुमति मिलेगी। ये व्यवहार नहीं चलेगा। जब हमारे विदेश मंत्री इतना देश के लिए और विश्व के लिए एक संदेश दे रहे थे, उस समय जो इन्होंने किया, अब हम भी अधीर रंजन चौधरी को बोलने नहीं देंगे, कोई बोलने नहीं देंगे। गलत करे बॉर्डर अधीर रंजन, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर। इन द ईयर 1978 10 मई को इस सदन में विपक्ष के नेता स्टीफन साहब मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, और जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाए थे सर, मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव नोटिस दिया है, ये प्रस्ताव स्पीकर के संज्ञान में है और 10 दिन का समय है, और 10 दिन के समय में स्पीकर जब भी डिसाइड करेगा, सरकार तैयार है, सरकार सरकार कोई भागने, हमारे पास पूरा नंबर है, और देश के जनता, देश के जनता हमारे ऊपर, मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। एक काला कपड़ा क्यों पहन के आया, इतने दिन 60 साल तक बहुत बहुत धन्यवाद किया, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, कारनामा नहीं बन, बहुत बहुत धन्यवाद। जन विश्वास उपबंध, रुको 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 चौधरी जी, सर प्लीज, सर मैं बड़ा आभारी हूँ सर कि आप मुझे बोलने का मौका दिए हैं। सर सर बात यह है कि सारे सदन जानते हैं आप, नहीं वो कोई बात नहीं, आप नहीं, इस बिल पर क्या कहना चाहते सर, ये नो कॉन्फिडेंस आपके पे क्या है वो बताओ, नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लोग दे चुके हैं सर, नहीं वो हो चुके हैं। और ये श्री स्वागत रॉय जी, स्वागत रॉय जी,
बारे में चर्चा होना चाहिए, प्रधानमंत्री को आना चाहिए। सर मणिपुर, मणिपुर 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 पे चर्चा होना चाहिए। ऑफशोर एरिया एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पहले इनके कालखंड में अलॉटमेंट के रूट से इन्होंने अलॉटमेंट के रूट फर्स्ट कम फर्स्ट सर डिस्क्रिशन रूट से देता था। हम लोग इसका जब इन लोगों ने अलॉट किया, बाद में इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो गया, इलीगल के कारण सीबीआई इंक्वायरी हो गया, चार्जशीट हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ वी आर ट्राइंग टू क्लियर मेक द वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ ओनली थ्रू ऑप्शन। दिस इज द ओनली थिंग वी आर ब्रिंगिंग एंड देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कॉम्पिटेंस अराइजेस। दिस पार्लियामेंट हैज गॉट फुल कॉम्पिटेंस, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अलाउ टू इंट्रोड्यूस द बिल। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने अपने स्थान पर चले जाइए।